हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो फिर से वेलकम टू माय चैनल नोमैड नक्श। सो आज है डे 29th of December एंड मैं अभी जा रहा हूँ लोकल ग्राउंड मार्केट लगा है। बिकॉज पता चला है मेरे को जहाँ से कि 1 दिसंबर से 31st दिसंबर तक ये मार्केट लगता है एंड सबसे सस्ता मार्केट है यहाँ पे। एंड आज कुछ स्पेशल, मैं घर पे ही स्टे करने वाला हूँ, अभी न्यू ईयर तक यहीं पे रहूँगा मैं। बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, तो न्यू ईयर कोहिमा में ही मनाएंगे अपन। अभी चल रहे हैं मार्केट। सो यार थोड़ा सांस फूलने लगता है चढ़ते चढ़ते। सो अभी चल रहे हैं मार्केट एंड उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, वहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है, कितना सस्ता चीज़ है। तो अपडेट लेते हैं फाइनली। एंड आई डोंट नो हम लोग का कार कहाँ है, बिकॉज मैं सबसे पहले आ चुका हूँ यहाँ पे। सो रेडी हो चुके हैं, सब चीज़ तैयारी हो चुकी है। एंड ये रहे मेरे भैया, बिग स्मार्ट दिख रहे हैं ये देखो। कल इनका तबीयत ख़राब था, ये हमारे साथ पिकनिक में नहीं आए थे, बट आज हमारे साथ है। तो कहाँ अभी जा रहे हैं? लोकल मार्केट है ना, लोकल ग्राउंड। लोकल ग्राउंड यहाँ से कितना दूर है? हाफ एन आवर यहाँ से, हाफ एन आवर है लोकल ग्राउंड। तो वहाँ पे भी चल रहे हैं एंड वेराइटीज़ ऑफ लाइक क्लोथिंग एंड अभी मेरे को भी नहीं पता क्या है वहाँ पे। तो चलो लेट्स गो एंड पता करते हैं, बहुत मज़े आने वाला है। स्टे कनेक्टेड। तो गाइज आज जीप के मज़े लेंगे। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं, लोकल ग्राउंड है ये, पूरा पीछे देख सकते हो। तो ये लोकल ग्राउंड है एंड ये रहा विंटर बाजार, यहाँ देख सकते हो कोहिमा विंटर एक्सपो। सो इसका डेट था 3rd दिसंबर से लेके 23rd दिसंबर, बट डेट एक्सटेंड हो गया, 31st दिसंबर तक है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ यस, तो गाइस जस्ट लाइक पटना में जो मार्केट्स लगते हैं ना, लाइक विंटर बाजार, वो मेला कोई बोलते हैं, तो वैसे ही टाइप मेला लगा हुआ है। जैसे खाने का भी है यहाँ पे एंड एक साइड खाने का है, एक साइड आप शॉपिंग कर सकते हो, लाइक बेल्ट्स, क्लोथिंग्स, ब्रांड्स, हर चीज़ है यहाँ पे। कितना बोल रहे हैं, कितना पीस है? सो गाइज अंदर में थोड़ा कुछ था नहीं, बट शॉपिंग करने का था आपका, शॉपिंग का, फूडिंग का, यही सब है टोटल बाजार। एंड ये बाहर है, मेन बात करना है, पता है, अगर मेन तुमको बात करना है ना लोकल्स लोग से तो बाहर में करो, बिकॉज अंदर में तो लॉट्स ऑफ पीपल है तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ देख सकते हो जैसे वहाँ पटना में लगता है ऐसा बाजार नहीं लगता है, बट ये देखो यहाँ पे कैसा मार्केट लगा हुआ है, ग्राउंड मार्केट है इसको बोलते हैं, पूरा लोकल ग्राउंड। ये पूरा रेडियस में फैला हुआ है, जहाँ से हम लोग आए हैं उस गेट से उसको साउथ गेट बोलते हैं। यहाँ पे दो गेट है इस मार्केट के। तो चलो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है, इनसे बात करते हैं, ये बिहारी लग रहे हैं। ओ दादा कैसे है? अच्छा है। कपड़ा कैसे दे रहे हो, मतलब कितना का कैसे देते हो? 20 का क्या बोलते हैं? 20 रुपीज। ओके गाइस, यहाँ देखो ये चिल्ला रहे, 20 रुपए। सही है। मतलब कपड़े का प्राइस 20 रुपए, कितना अच्छा है ना। 5 रुपीज। हेलो, 10 टका। यहाँ देखो ये 10 टका चिल्ला। ओ भाई 10 टका, खाली 10 टका लगी से। New Year offer. If you guys are planning to कुछ भी लेना है New Year में, तो यहाँ से आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। ये सब अगर 10 रुपीज में आप दे रहे हो तो ये कहाँ से लाते हो? जैसे आप लोग कहाँ से? दीमापुर से आता है, कोहिमा से। दीमापुर कोहिमा से? कोहिमा में तो हो ना, आप दीमापुर से लाते हो, दीमापुर नहीं तो दिल्ली। कहाँ से हो आप? बिहार। मैं भी तो बिहार से हूँ, हाथ मिलाओ यार, मोतिहारी जिला। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा चारों तरफ मार्केट्स है एंड प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे। प्राइस लाइक 10 रुपये 20 रुपये में आप मतलब भर भर के क्लोथ आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ब्लैंकेट्स लगे हुए हैं, इतना है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट्स है, क्लोथिंग है, सारा जो ये पूरा देख रहे हो ना, सारा ये पूरा मार्केट्स है कपड़े का, पूरा क्लोथिंग का है। एंड ऐसा नहीं है रेट हायर है, बहुत ही सस्ता, मतलब 1000 पे से भी आप शॉपिंग करोगे ना, 1000 भी ला के यहाँ पे, तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कपड़ा हो सकता है आपके पास। कैसे दे रहे हैं ये वॉच? इसका 350 दाम है। 350 दाम तो है, 350
डिस्काउंट कितना करोगे? डिस्काउंट 100 कर देंगे, 250 करेंगे। 250 वॉच अच्छे अच्छे ये अपने जो डायना सिनेमा पटना में लगता है ना, आप जो भी पटना से है यार वो समझ सकते हो, ये भी वो सब मिलता है वॉच। लेकिन हाँ ये चीज़ जो है तो ये नहीं मिलता है वहाँ पे देखने को, लाइक 10 टका 20 टका, मतलब 10 रुपये 20 रुपये में नहीं मिलता है ये चीज़ अब। हेलो भैया कैसे हो? हाँ ठीक है भैया। ये सॉक्स है, कैसे है पेयर सॉक्स बच्चे का? एंड ये सब ये 3 पेयर का 100 रुपया लगा रहे हैं बच्चे लोग का है ना, बड़ा का अभी सही है। कैसे ठीक है? तुम ऐसे देख रहा है जैसे कभी देखा नहीं हो मेरे को। हाय करो हाय। क्या भैया कैसे हो? क्या लड़की लोग का है पूरा? क्या गोलगप्पा अच्छा है यहाँ पे, तो यहाँ भी गोलगप्पा मिल रहे हैं। कैसे दिया ये? 20 रुपए का 6 पीस सही है। ना ना इट्स ओके। ये आटा वाला है या सूजी वाला? ये तो रेडीमेड है ना, रेडीमेड गोलगप्पा मिलता है यहाँ पे। जलेबी कैसे दे रहे हो के जी? 200 रुपए के। 200 रुपए के जी सही है। जलेबी भी मतलब मिलता है यहाँ पे? जलेबी भी मिलता है ना यहाँ पे? जलेबी पकौड़ा पकौड़ा जलेबी एंड उधर गोलगप्पा, इधर मटर चाट ऐसे बोलते हैं इनको। तो मार्केट में भी खाने पीने का है इंतज़ाम है आपको। तो ऐसे आप देख रहे हो ना ये पूरा स्टेडियम टाइप है, तो एक गेट वहाँ पे है एंड एक गेट ये कॉर्नर पे। हम लोग इस गेट से आए हैं बिकॉज वो जो गेट से आ रहे थे तो वहाँ पे पार्किंग का नहीं था। तो अभी प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि अभी यहाँ से घर जाएंगे एंड घर पे मोमोज़ खाना है मेरे को। मोमोज़ मैं बोला था दीदू से कि मेरे को मोमोज़ खाना है, तो मोमोज़ तो मैंने पटना में भी खाया है, अफ़गानी मोमोज़, कॉकटेल में बहुत सारे का मोमोज़ खाया है, बट यहाँ पे डिफरेंट एक मोमोज़ है जो यहाँ पे आपको मिलेगा नागालैंड में जो 29th of December। तो प्लान्स कुछ ऐसा है कि मैं न्यू ईयर तक यहीं पर रुक रहा हूँ एंड न्यू ईयर के बाद नेक्स्ट डे मैं जाने वाला हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। अभी यहीं के ब्लॉग्स आएंगे कोहिमा के आएंगे, तो 2-3 दिन और है फैमिली के साथ स्पेंड करना है। बिकॉज न्यू ईयर में यार देखो अगर मैं निकल भी जाऊँगा तो न्यू ईयर में कहाँ रहूँगा कुछ पता है नहीं, तो क्यों ना फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए ये दिन। तो इसीलिए मैं सोचा कि न्यू ईयर पर यहीं पर रुकते हैं, तो चलो अभी मिलते हैं घर जाके। तो गाइज़ अभी हम लोग घर जा रहे थे एंड अभी लकड़ी साथ में लेके जा रहे हैं, ऐसे देख सकते हो यहाँ पे लकड़ी है। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीइंग फ्रॉम अदर स्टेट लाइक मैंने यहाँ बहुत चीज़ नोटिस किया है। जैसे कोहिमा में तो घर के लिए जैसे गैस तो रहता है वो कंपलसरी है गैस, बट वुड्स जो रहते हैं ना तो यहाँ हर घर में आप वुड्स पाओगे। और इट्स लाइक लकड़ी का प्राइस है यहाँ पे 350 आपको चार्ज मिल पड़ेगा। तो अभी यहाँ से लकड़ी लेना है एंड उसके बाद घर चलते हैं, बिकॉज लकड़ी के बिना काम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ठंड में बहुत सारे चीज़ों में काम आ रहा है लकड़ी, खाना बनाना ठंड में ये सब चीज़। हेलो गाइस वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं 5 PM एंड यहाँ पे तैयारी चल रही है मोमोज़ बनाने की। कौन सी मोमोज़ ये पूछो, तो अभी पोर्क मोमोज़ बनाने की तैयारी चल रही है। पोर्क एंड ये मोमोज ऐसे सॉरी ये पोर्क कट रहा है ऐसे एंड अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होता है जो भी मोमोज के लिए लगता है मसालाज एंड ऑल, तो वो मिक्स होगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है पोर्क मोमोज ट्राई करूँगा अभी, तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत एंड इसके बाद मेरा टर्न रहेगा। बिकॉज मेरे को आज सबके लिए मटन करी बनाना है, तो सेल्फ कुक करना है। तो फर्स्ट टाइम मैं मटन बनाने वाला हूँ, चिकन तो बहुत बनाया हूँ लेकिन मटन अभी तक नहीं ट्राई किया है। सो लेट्स सी कैसा होता है, सबको पसंद आता है कि नहीं आता है ये देखना होगा। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत मज़ा आने वाला है, आज पूरा दिन फैमिली के साथ ही है। तो उधर मोमोज की तैयारी चल रही है एंड मैं मटन करी आज बना रहा हूँ रात में, तो उसकी प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ। बहुत टेस्टी मटन करी बनाने वाला हूँ, बस दिल से बना रहा हूँ ना इसीलिए टेस्टी बनेगा। सो गाइस यहाँ पे मटन एंड इधर मोमोज, ये क्या है वैसे? सूप है किस चीज का? पोक का सूप। तो इसका क्या होगा, मोमोज के साथ खाते हैं? मोमोज के साथ होता है। पोक का सूप ये है, तो बहुत पहली बार सुन रहा हूँ पोक का सूप, देखता हूँ कैसे होता है। एंड ये रहा मोमोज, मोमोज को भी दिखाता हूँ। ये रहा मोमोज, ओए होए
हाफ एन आवर कुक होगा वो मोमोज। एंड ये इधर मैं अपना मटन बना रहा हूँ, सो बहुत ही अच्छा बनने वाला है मटन, होप सो अच्छा बन जाए बस। तो चलो अब मिलते हैं, दोनों चीज़ रेडी होने दो, फिर उसके बाद दोनों को टेस्ट करेंगे एक बार, क्योंकि रेसिपी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई ये देखो पेस्ट बन चुका है, एंड अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, बिकॉज डिलीशियस बनने वाला है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। देख सकते हो जैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, ये पेस्ट मैंने बनाया है, एंड आफ्टर दैट ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। जब बन जाएगा तो रेडी होगा, उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ, टिल देन स्टे कनेक्टेड। तो भाई मटन करी रेडी है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है, एंड मैंने टेस्ट भी करवाया, मैंने भी किया है, बहुत अच्छा है। बस फीडबैक सबसे लेना बाकी है फैमिली से, एंड इधर मोमोज रेडी हो रहा है, मज़ा आने वाला है आज रात को। तो मोमोज बन चुका है, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है, एक इधर एक इधर, मैं सारे खा जाऊँगा आज तो। पोर्क मोमोज है भाई, सब खा लो, सब खा लूंगा, ये भी जितने भी पीस है, कॉम्पिटिशन करते हैं इसी का, इसीलिए मैं बोल रहा था कॉम्पिटिशन है इस चीज का भी। तो गाइस अभी मोमो कॉम्पिटिशन होने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे मोमोज, ये है पोर्क मोमोज, तो अभी कॉम्पिटिशन करते हैं, बट कॉम्पिटिशन करने वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको बुलाते हैं। ईस्टर आगे, हाँ आपने बुलाया मैं आ गया। अरे वाह, तो गाइस अभी कंपटीशन करते हैं, कॉज पार्टनर आ चुका है, एंड कंपटीशन अभी स्टार्ट करते हैं, बट कंपटीशन ऐसे खाली खाली लगेगा ना, कॉज ये मोमोज है दोनों को खाना है। चलो पैसा को कंपटीशन करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, हाँ? हाँ, कितना? 500। पक्का? हाँ, 500 का कंपटीशन कर रहे हैं, रुको मैं चेक करने दो। चलो 500, ये देख सकते हो 500 का कॉम्पिटिशन होने वाला है, यहाँ पे रखो 500। तो टाइमर रखते हैं 30 सेकंड में, जितना जो ज़्यादा मोमोज खाया, ठीक है 30 मोमोज है, 30 सेकंड में जितना जो ज़्यादा मोमोज खाएगा वो विनर होगा। टाइमर लगा रहे हैं यहाँ पे, 30 सेकंड का रखते हैं कंपटीशन, 30 सेकंड में मैं 1000, अगर खाया मैं पूरा 30 सेकंड में जितना ज़्यादा खाया 1000 मेरा, 30 सेकंड में अगर ये ज़्यादा खाए तो इसका 1000। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टाइम स्टार्ट होता है अब। एक, 11, 2, 1 इसका, 2 मेरा, 36 सेकंड हो चुके हैं, मैंने 3 मोमोज खाए हैं, इसने 2 मोमोज खाए हैं, विनर मैं हुआ। पैसा हाँ ले लो, बट कंपटीशन अलग चीज था, मोमोज बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये है पोर्क मोमोज, पोर्क मोमोज इसने बनाया है, पोर्क मोमोज। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है? इसमें पोर्क, ऑनियन, गार्लिक, ओके, और ऑयल। तो सबका मिक्सचर लेके ये आपका पोर्क मोमोज होता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है पोर्क मोमोज, और वो भी नागालैंड में। तो आप लोग भी अगर नागालैंड आ रहे हो तो पोर्क मोमोज जरूर ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा यमी है एंड टेस्टी है। सो गाइस मोमो कंपटीशन हो चुका है, 30 सेकंड का था, छोटा सा कंपटीशन किया हुआ, क्योंकि बहुत कुछ खाना था मोमोज के बाद, चिकन मटन मैंने बनाया था, तो मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, मैं खुद अभी टेस्ट किया हूँ, एंड सबको भी, सबसे भी पूछा हूँ, मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ये देखो हमारी भाभी खाना खा रही है, कैसा लगा है? कैसा अच्छा है, अच्छा है। अच्छा लगा इनको भी। आज का ब्लॉग बस इतना ही, और कल मिलते हैं, कल नया दिन नई शुरुआत है, देखते हैं कल क्या प्लान बनता है, कॉज सब अनप्लान्ड हो रहा है, एंड न्यू ईयर आने वाला है, कॉज आज है डेट 29th of December, एंड 2 दिन के बाद न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर में भी सेलिब्रेशन होगा। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट।